Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? मेरे साथ फ्रेंड्स आज जो खड़े हुए हैं सज्जन, ये शिवजी भाटी के सुपुत्र हैं और इनका नाम राजीव भाटी है और इनका एक शॉप है और जो शिव जी हैं वो जो बीकानेर के जितने भी क्लब काइट फाइटर्स हैं उनके लिए भगवान थे। आज वो नहीं है हमारे बीच में, 2016 में उनकी डेथ हो चुकी है, पर उनके सुपुत्र मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं एक चाहूँगा आप थम्सअप कर दीजिए। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो हैं इनके दुकान पे आए हुए हैं और ये इतना रेस्पेक्टेबल हैं बीकानेर शहर के अंदर कि जितने भी काइट लवर्स हैं, सिर्फ बीकानेर में ही नहीं हिंदुस्तान के हर कॉर्नर में जितने भी क्लब काइट फाइटर्स हैं और काइट लवर्स हैं सभी लोग इनको जानते हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि इनके पिताजी का तो इतना रेस्पेक्ट था कि सारे क्लब काइट फाइटर कहते हैं, आज भी उनके जुबान पे यही है कि अगर सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट का भगवान है तो शिवजी भाटी जी जो थे वो पतंगबाजी के भगवान थे, यानी क्लब काइट फाइटर्स के वो भगवान थे। तो उनकी रेस्पेक्ट आज भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके इनका एक शॉप भी है, तो इनके शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शॉप के अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या इनके पास है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे सामने अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और कस्टमर शॉप में आ चुका है। और भाई साहब आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आप इन्हीं के शॉप से ही काइट्स लेते हैं? तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ से काइट्स लेते हुए? मतलब बचपन से लेके अभी तक, मतलब आप इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी आप यहीं से ही काइट्स लेते हैं? तो क्या खासियत क्या है इनकी दुकान की? पतंग बहुत अच्छी है और काफी बीकानेर के अंदर सबसे मशहूर दुकान इनकी मानी जाती है। अच्छा, और सबसे ज्यादातर ये बात है कि और सीजन हो या ऑफ सीजन, हाँ, हमेशा खुली है। अच्छा, आपके बीकानेर शहर में सीजन जो है अक्षय तृतीया का लगता है, तो अक्षय तृतीया में जो है यहाँ पे काफ़ी शॉप्स होती होंगी, लेकिन ये शॉप जो है सबसे पुरानी शॉप है और इस शॉप की कुछ बात ही अलग है ना। तो क्योंकि जो भाई साहब आपके पापा, आपके फादर जो हैं वो, अच्छा शिवजी भाटी, अच्छा शिवजी भाटी, वो आपके पापा जो कि मतलब बीकानेर के काफ़ी मतलब सबसे अच्छा जो है क्लब काइट फाइटर थे अपने समय के, और आज वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है 2016 में है। और लेकिन आज आपने सारा कमान आपने संभाला हुआ है। तो फ्रेंड ये राजेश भाटी जी हैं और ये शिव जी के जो हैं ये लड़के हैं, और शिव जी जो है बहुत माने जाने बीकानेर के जो हैं क्लब काइट फाइटर रहे अपने समय में। उनकी जो पतंगबाजी थी और बहुत ही रेस्पेक्टेबल आदमी थे वो, तो आज भी इसीलिए उनको लोग याद करते हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स ये जो आप पतंग का बॉक्स देख रहे हैं, ये एक पतंग का बॉक्स है जिसके अंदर पतंगे रखी जाती है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखाता हूँ, आप देखिए ये पतंग का बॉक्स है और इस पर लिखा हुआ है गुरु काइट क्लब। ये जो गुरु काइट क्लब है ये जो शिव जी के सुपुत्र हैं राजीव जी, उनका ये काइट क्लब है। और जो शिव जी का अपना काइट क्लब था उसका नाम था महफिल काइट क्लब, और वो 1953 में फ्रेंड्स उसका जो है उद्घाटन हुआ था, 1953 में बना था। तो समझ लीजिए कि कितना पुराना काइट क्लब था वो, और आज उनके सुपुत्र ये गुरु काइट क्लब को लीड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इनके जो प्लेयर्स हैं वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनके प्लेयर्स के ड्रेस हैं। ये फ्रंट हिस्से में ये देखिए गुरु काइट क्लब लिखा हुआ है। ये सारा टी शर्ट्स हैं, आप जितने भी ये देख रहे हैं ये सारे टी शर्ट्स हैं, और इन टी शर्ट्स को ही पहन करके जो है प्लेयर लोग पतंग लड़ाते हैं। और ये भी एक अद्भुत है, ये देखिए ये यहाँ पे जो है क्लियरली लिखा हुआ है गुरु काइट क्लब, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है गुरु काइट क्लब बीकानेर रजिस्टर्ड। ये टी शर्ट का फ्रंट हिस्सा है और टी शर्ट के बैक हिस्से में प्लेयर्स के नाम लिखे रहते हैं। देखिए जैसे एक प्लेयर का नाम है मुन्ना, और एक प्लेयर का नाम लिखा हुआ है झावर सा उस्ताद, और एक प्लेयर का नाम लिखा हुआ है सुरेंद्र कुमार, ये देखिए सुरेंद्र कुमार लिखा हुआ है, और एक प्लेयर का नाम लिखा हुआ है शिवराज सिंह।
फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह की इन्होंने प्लेयरों के लिए ड्रेसेस भी बनाए हुए हैं, और भी इनके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और ये सब प्लेयर लोग इसी को ही पहन करके पतंग लड़ाएंगे। और आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज हमारी जो क्लब लड़ेगी वो इन्हीं के क्लब के साथ लड़ेगी। हम लोग मैदान पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में, और वहाँ की भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये कप वगैरह आप देखिए, ये इनके टीम ने जीता हुआ है। और यहाँ पे 95 अच्छा 95 में इन्होंने टूर्नामेंट जीता था, तो उसका देखिए आप यहाँ पे कप्स वगैरह रखे हुए हैं। फ्रेंड्स ये आप देखिए, ये एक आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है डेजर्ट काइट फेस्टिवल। फ्रेंड्स ये 2003 तक होता रहा है, और ये इंडिया में होता था जोधपुर और जयपुर में, 2000 से लेके 2003 तक हुआ है। उसके बाद ये डेजर्ट काइट फेस्टिवल बंद हो गया, लेकिन इसके ये जो है इस टूर्नामेंट के, ये देखिए इनके हाथ में आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको और इधर करेंगे बॉक्स की तरफ, ये देखिए इनके हाथ में जो ट्रॉफी है ये इन्होंने जीती है। और ये एक ट्रॉफी है, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, और इस ट्रॉफी को इन्होंने 2003 में जीता था। और इनका जो महफिल काइट क्लब है वो विनर रहा है, और रनर जो रहा है वो गुरु काइट क्लब रहा है, यानी पिता और पुत्र दोनों ही विनर रहे हैं। और इनको ये ट्रॉफी मिली थी, इन ट्रॉफी को देखिए संभाल के रखा है। और अभी चलिए मैं और भी, ये जो दृश्य है जोधपुर का उमेद पैलेस भवन है। अच्छा, हाँ आप भी एक बार फिर से बताएंगे, ये जो ट्रॉफी है इस पे जो सिंबल लगा हुआ है वो जोधपुर के उमेद पैलेस भवन का है। वेरी गुड। और जहाँ वर्तमान में विजयनाथ महाराजा गज सिंह जी रहते हैं। अरे वाह क्या बात है, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो इनके घर तक आज आ पहुँचा हूँ। हालांकि ये बीकानेर में मेरी तीसरी ट्रिप है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे आया हूँ, और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये आप देखिए, आप देख सकते हैं ये जो है बहुत पुरानी मेमोरी, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से जो क्लब काइट फाइटर्स आए बीकानेर शहर में, और शिव जी के टीम के साथ जिन्होंने क्लब काइट फाइटिंग करी है, उनकी एक यादगार में देखिए यहाँ पे इन्होंने इन सब की फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई है। मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाता हूँ इसको, और ये काफ़ी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं फ्रेंड्स, और ये सारे क्लब काइट फाइटर्स हैं। और आज क्लब काइट फाइटिंग का जो है वो दौर बदल चुका है, और ये देखिए ये ओल्ड मेमोरीज है, और उन्होंने शिव जी की टीम ने इस ट्रॉफी को जीता था, और ये ट्रॉफी जो है डेजर्ट काइट फेस्टिवल के नाम से होता था, और जोधपुर और जयपुर में ये होता था। इसके अलावा एक मैं और भी दिखाना चाहूँगा आपको, और ये है फ्रेंड्स, ये भी दिल्ली की टीम यूनियन काइट क्लब, ये दिल्ली की टीम थी जो यहाँ पे आकर के लड़ाया जिन्होंने। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स घड़ी अपना समय बताता हुआ कि वक्त की रफ्तार कितनी तेज होती है, एक पल एक समय यूं ही बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, और वक्त किसी के लिए रुकता नहीं और वक्त आगे ही बढ़ता रहता है, लेकिन जिंदगियां फिर भी चलती रहती हैं। फ्रेंड्स आज जो इनकी गुरु काइट क्लब हमारी टीम से लड़ेगी उसमें जो डोर यूज़ किए करेंगे ये लोग, बीकानेर की जो टीम है गुरु काइट क्लब दिल्ली के खिलाफ जो वो डोर यूज़ करेंगे वो ये करेंगे यूनिस इकबाल, और आप इधर भी देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे मांझा हैं फ्रेंड्स इनके पास, और इधर ये भी देखिए ये सब मांझा जो है हमारे खिलाफ आज इस्तेमाल किया जाएगा, और हमारा गेम जो है दोपहर को 1 बजे से लड़ना शुरू होगा। तो मैं मैदान में भी पहुंच करके वहाँ के भी जो है कुछ शॉट्स वगैरह लूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा।
फ्रेंड्स इनका एक शॉप भी है और ये आप शॉप के अंदर देख सकते हैं, ए ग्रेड काइट से ए ग्रेड और पूरा एकदम जो पतंगे हैं यहाँ पे भरी हुई हैं, बहुत खूबसूरत एक से बढ़कर एक पतंगे हैं इनके पास। और पूरे बीकानेर शहर में जैसी पतंगे इनके पास हैं किसी के पास भी नहीं है, और इनके शॉप में सब पतंगे अवेलेबल हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिल्ली की जो टीम आई हुई होगी यहाँ पे, उन लोगों की फोटो है और इनके साथ 2014 की है, दिल्ली की टीम है। देखो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस के अंदर जो है ओल्ड काइट्स, बहुत पुरानी पुरानी पतंगे। अभी इस बॉक्स को खोला जाएगा और खोल करके आपको कुछ पतंग वतंग दिखाई जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस बॉक्स को खोला जा रहा है। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, अब बॉक्स को खोला जा रहा है और ये देखिए बॉक्स को खोला गया और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पतंगे आपको देखने को मिलेंगी। और ये देखिए बॉक्स के अंदर दो चैम्बर बनाए गए, एक चैम्बर के अंदर पतंग और दूसरी चैम्बर के अंदर आप ये देख सकते हैं चरखियाँ वगैरह रखी हुई है। और और ये जो मांझे की चरखियाँ हैं फ्रेंड्स, ये बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है सर? कम से कम 15 साल पुरानी। ये मांझे की चरखी 15 साल पुरानी फ्रेंड्स ये चरखियाँ हैं। और इसके इस तरफ, इस बॉक्स के इस तरफ जो है दूसरे वाले हिस्से में पतंगे रखी हुई हैं। अभी इसको ये देखिए फ्रेंड्स, ये नगीने हैं एक से बढ़कर एक, और ये काफी बड़ी पतंगे लग रही है मेरे को। ये क्या कलीदार है क्या? इसके अंदर जो पतंग रखी हुई है पोने 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 हैं, ये तो काफी बड़े साइज के पोने लग रहे हैं। वाह क्या बात है, एक से बढ़कर एक पतंगे हैं फ्रेंड्स इस बॉक्स के अंदर। बहुत पुरानी पुरानी फ्रेंड्स ये पतंगे हैं और ये बहुत पार लड़ने की है। कहाँ की पतंगे हैं ये? ये हमारे पापा जी के उस्ताद थे, बाबू खां। बाबू खां, बाबू खां, ये देखिए साहब, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाबू खां साहब के हाथ की बनी हुई पतंग है और बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स। ये जो पतंग आप देख रहे हैं ये शिव जी के हाथ की खुद की बनी हुई पतंग है और 2010 में इस पतंग को बनाई गई थी फ्रेंड्स। ये 2011 में, और ये 2011 में, काफी पुरानी पुरानी पतंगे हैं इनके पास। 2012 में, बहुत अच्छा फ्रेंड्स। ये जो आप पतंग देख रहे हैं ये शिव जी जी के हाथ की खुद की बनी हुई पतंग है और यहाँ पे मैं मोहर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए 30 अक्टूबर 1998 को ये पतंग बनाई गई थी। और ये पतंग देखिए आप, कितना बढ़िया पतंग है, शानदार फ्रेंड्स। ये भी पतंग काफ़ी पुरानी है और ये भी शिव जी के हाथ की बनी हुई पतंग है। 2011 और ये पतंग जो है, इस पतंग को बनाया गया है 19 जुलाई 2011 को ये पतंग बनी है और ये बहुत पार लड़ने वाली पतंग है फ्रेंड्स। ये 1200-1300 मीटर से स्टार्ट होगी ये लड़ना और 2000 मीटर तक जाकर के लड़ेगी फ्रेंड्स। और बीकानेर शहर की जो विजिबिलिटी है जहाँ पे क्लब काइट फाइटिंग होती है वो बहुत क्लियर है, आसमान बहुत क्लियर दिखता है और 2000 मीटर पे पतंग आसानी से दिख जाता है फ्रेंड्स। अब मैं जो आपको पतंग दिखाने जा रहा हूँ, और ये पतंग जो है फ्रेंड्स दीप कुमार जी के हाथ का बना हुआ है और आप ये पतंग देखिए, बहुत पुरानी पतंग है। और ये भी आप पतंग फ्रेंड्स, ये दीप कुमार जी के हाथ की बनी हुई पतंग है और ये देखिए लिखा हुआ है शहर का नाम, ये लखनऊ लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन पतंग है फ्रेंड्स। ये देखिए इनके मांझे के स्टॉक देखिए, और ये जो चरखियाँ रखी हुई है बहुत बेहतरीन। मैं बहुत सारी चरखी, तो इसमें से जो है इतनी ज़्यादा चरखियाँ हैं कि इनको दिखाना मुश्किल है रैपर खोल खोल करके, तो मैं रैपर समेत ही आपको दिखा दे रहा हूँ। और आप देखिए किस तरह से, और जो जितनी भी ये आप चरखियाँ देख रहे हैं इसमें सब ए ग्रेड मांझा है। किसी भी चरखी के अंदर जो है बी ग्रेड मांझा नहीं है, सब ए ग्रेड मांझा है और बहुत बेहतरीन मांझा है। इसके अलावा इधर भी देखिए फ्रेंड्स, इधर भी जो मांझे का स्टॉक है आप देख करके ही समझ, आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि कितने ज़बरदस्त काइट लवर हैं। और इनकी अपनी शॉप भी है, ये सेल भी करते हैं, ए ग्रेड मांझा देते हैं पूरे बीकानेर शहर को। पूरे बीकानेर शहर के अंदर जो है इनकी शॉप जो है सबसे ज़्यादा फेमस है फ्रेंड्स। ये देखिए इन बॉक्सेस के अंदर जो है काइट्स
इनकी बीकानेर से बाहर जाती हैं और ये इस तरह से बॉक्सेस के अंदर पैक करके पतंगों को जो है दूसरे सब शहरों में भेजा जाता है। आप तादाद देखिए कितनी ज़्यादा है, ये बॉक्सेस दर बॉक्सेस बन करके पतंग सब शहरों में जाता, पूरा राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कॉर्नर में पहुंचाई जाती है पतंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये सब पतंग देखिए कितनी शानदार पतंगे हैं, ये अभी मैं इनको ये मोहर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इन पतंगों को आपको दिखाऊंगा और इस पर डेट वगैरह सारा लिखा हुआ है कि किस डेट को ये बनी है। बहुत अच्छी अच्छी और बहुत पुरानी पतंगे हैं फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक पतंगे हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा व्यू आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ये जो आप पतंगे देख रहे हैं ये सारी बहुत नायाब पतंगे हैं और बहुत अच्छी पतंग है, ये जो है बहुत दूर की रेंज में लड़ने वाली पतंगे हैं, बहुत खूबसूरत। इस पतंग पे तो मेरा दिल आ गया, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और इसमें से कई पतंगे जो हैं शिव जी ने अपने हाथों से बनाई है। फ्रेंड्स ये शिव जी भाटी जी का एक शॉप है और जिस शॉप को चलाते हैं राजू भाटी जी, और इस शॉप का जो है पूरा इसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, बहुत क्लियरली दिया हुआ है मोबाइल नंबर और एड्रेस, और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये इनके जो है काइट क्लब का नाम है गुरु काइट क्लब और इसमें प्लेयर्स के भी नाम लिखे हुए हैं। अगर आप लोग बीकानेर से बाहर से कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप लोग बीकानेर पहुंचते हैं और इनसे अगर आप काइट फाइटिंग करना चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आप देखिए इस पे इनका सब कार्ड पे इनका दिया हुआ है डिटेल वगैरह। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो को बंद करने का समय आ गया है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इस तरह की वीडियो जो है दूसरे शहर में जाकर के बनाना बहुत ही मुश्किल है, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को जो है शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन घोष, यही नाम है। जिस तरह से बीकानेर की जो है भुजिया, बीकानेर की भुजिया बहुत फेमस है, उसी तरह से जो है शिव जी के यहाँ की बनी हुई पतंगे और मांझा वगैरह बहुत फेमस है। जितने भी जो बीकानेर के भाई लोग हैं वो लोग शिव जी की दुकान से पतंग मांझा बेझिझक होकर के खरीद सकते हैं, और उसके अलावा जो ऑल ओवर इंडिया से भी अगर लोग इंटरेस्टेड हो पतंग मांझा खरीदने के लिए तो आप लोग जो है राजू भाटी हिसाब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर मैंने कार्ड पर आप लोगों को दिखा दिया था। और राजू जी मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को एक थम्स अप कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं हिंदुस्तान के सब क्लब काइट फाइटर्स के लिए? दोस्तों मैं राजू भाटी गुरु काइट क्लब बीकानेर से, हिंदुस्तान से कोई भी क्लब बीकानेर में शौक करना चाहती है तो मेरे घर पे आपका स्वागत है। थैंक यू राजू जी। और ये देखिए इन्होंने आपको इनवाइट किया है और मोस्ट वेलकम किया है, और जो है पूरे जो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे जिस शहर में भी क्लब काइट फाइटिंग होती है सभी को इनवाइट किया गया है, और बीकानेर शहर की तो मेहमान नवाजी का तो बात ही कुछ और है, यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल हैं, और मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आया हूँ और मैंने बहुत इंजॉय किया, और इससे जो मैं अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ कि मेरा जो दिल यहाँ पे आकर के बाग बाग हो गया, और जो मैं एक काइट लवर हूँ और क्लब काइट फाइटर भी हूँ, और मैं इनसे एक मैसेज भी लेना चाहूँगा, आप हिंदुस्तान के सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करिए कि वो चाइनीज़ मंझे का इस्तेमाल ना करें। मेरे देश के प्यारे बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि चाइनीज़ मंझे का प्रयोग ना करें, ये जानलेवा है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, पशु भी कटते हैं जानवर भी कटते हैं, किसी की जीव हत्या का अपना को अधिकार नहीं है, पतंगबाजी करोगे पतंग कटेगी भी पतंग काटोगे भी। सूती धागे का प्रयोग करें, चाइनीज बाजे का प्रयोग ना करें। सूती धागे में भी सिर्फ 6 कॉर्ड है, सूती धागे में भी सिर्फ 6 तार का धागा प्रयोग करें, चाइनीज बाजे का बहिष्कार करें।
थैंक यू, थैंक यू राजू जी, बहुत मेरे को इस बात से मेरे को बहुत खुशी मिली कि आपने ये मैसेज पूरा हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया को दिया कि चाइनीज मांझा कितना डेंजरस होता है, सभी लोगों को इससे दूर हट जाना चाहिए, किसी भी किस्म की प्लास्टिक मांझे का इस्तेमाल ना करें आप लोग। और अब मैं इस वीडियो को बंद करूंगा, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।